अस्सलामुअलैकुम टू एवरी वन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टूडियो पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के कुछ नए जॉब्स के बारे में। तो हेल्थ में लगभग 2-3 नई नोटिफिकेशंस आ चुकी है जिनमें 10th, 12th और ग्रेजुएशन पास, डिप्लोमा पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 40 प्लस वैकेंसीज आउट हो चुकी है हमारे पास, 3 नई नोटिफिकेशंस आ चुकी है। अप्लाई किस तरीके से आपको करना है, नोटिफिकेशंस कौन सी आई है, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि आप हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन जरूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उनको भी इन पोस्ट के बारे में पता चल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो एमएस जम्मू की तरफ से ये नोटिफिकेशन आई है। इस वीडियो में हम टोटल 3 नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। तीनों ही नोटिफिकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे जो नोटिफिकेशन आने वाली है उसमें J&K जॉब स्कीम से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें हेल्थ जॉब्स ऑल ओवर J&K के लिए भी हैं, और जो ये एमएस जम्मू की नोटिफिकेशन है इसमें भी अगर आप J&K से कहीं से भी हो तब आप अप्लाई कर सकते हो इन पोस्ट के लिए। अब यहाँ पे अगर हम पोस्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हो 16 तारीख को ये नोटिफिकेशन आई है। इसमें आप देख सकते हो लगभग 12 पोस्ट आए हैं। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए एक पोस्ट, ऑफिस असिस्टेंट के लिए एक। इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो सीनियर फार्मासिस्ट, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर 2 पोस्ट्स, अपर रीजन क्लर्क के लिए भी 2 पोस्ट्स। अब यहाँ पे अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, अप्लाई प्रोसीजर की बात करेंगे, तो सबसे पहले आप देख सकते हो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए अगर आपने गवर्नमेंट बॉडी में कहीं पे काम किया हुआ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया हुआ है, तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए MBA PG अगर आपने किया हुआ है तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो। उसके बाद अगर हम ऑफिस असिस्टेंट की बात करेंगे तो सेम इस तरीके से आप इसमें भी देख सकते हो, अगर आपने रिसर्च में कुछ किया हुआ है और आपके पास ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट की हुई है, कंप्यूटर आपको अच्छे से आता है, तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से अगर हम असिस्टेंट ऑफिसर की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें अगर आपने रिसर्च पे काम किया हुआ है या कहीं पे किसी गवर्नमेंट बॉडी में काम किया हुआ है इसके रिगार्डिंग, तो तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सैनिटेशन ऑफिसर की बात करेंगे तो इसमें आप देख सकते हो इस पोस्ट में अगर आपको अप्लाई करना होगा तो इसमें आपका एनालॉग्स पोस्ट रेगुलर बेस पर दिया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आपने किसी हॉस्पिटल में काम किया हुआ है, सेंट्रल ऑटोनोमस स्टेशनरी लोकल गवर्नमेंट बॉडी में काम किया हुआ है, तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे लाइब्रेरियन की तो इसमें आप देख सकते हो अगर आपने BSc की हुई है, कहीं से बैचलर्स डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो। सेम अगर आपने काम किया हुआ, एक्सपीरियंस है आपके पास या रिसर्च की हुई है, तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो। किसी रेप्यूटेड लाइब्रेरी में काम किया हुआ है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो। मिनिमम आपकी 5 ईयर्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अब यहाँ पे डिजायरेबल आप देख सकते हो डिप्लोमा अगर आपने कंप्यूटर में किया हुआ है तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो। इस तरीके से यहाँ पे अगर हम सीनियर फार्मासिस्ट की बात करेंगे तो सेम इस तरीके से अगर आपने फार्मेसी वगैरह किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेड 2nd, तो इसमें आपको सैलरी वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कहीं से आपने फार्मेसी किया हुआ है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से या रिसर्च वगैरह किया हुआ है, तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो। उसके बाद अगर हम पर्सनल असिस्टेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑफिसर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, अगर आपने वहाँ पे कुछ किया हुआ है तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो। इस तरीके से सेम यहाँ पे आप देख सकते हो जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड की बात करेंगे तो इसमें भी अगर आपने कहीं पे काम किया हुआ है तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो। और यहाँ पे अपर रीजन क्लर्क की बात करेंगे तो अगर आपने कहीं से ग्रेजुएशन की हुई है, कंप्यूटर स्पीड आपकी अच्छी है, तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप नो डाउन कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम अप्लाई प्रोसीजर की बात करेंगे तो मैं आपको समझा देता हूँ। इसके लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। यहाँ पे आपको फॉर्म दिया है, इसको आपको फिल करना है, फिर आपको सबमिट करना पड़ेगा एमएस जम्मू में। तो आप ऑफलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप चाहते हो इसके लिए अप्लाई करना, और कोई प्रोसीजर नहीं है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट्स वगैरह सब कुछ दी हुई है। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको देखने को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन जरूर करना। अब यहाँ से अगर हम दूसरी नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो दूसरी नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। यहाँ पर आप देख सकते हो इसी HS ये जो नई स्कीम है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो ओवरऑल J&K में और बाहर भी आप देखोगे बहुत सारे सेंटर्स डाले गए हैं इसके रिगार्डिंग। यहाँ पे ये जो हॉस्टल्स डाले गए हैं इनमें रिक्रूटमेंट आती रहती है, पिछले साल भी आई थी, इस साल भी आई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहला पोस्ट MBBS के लिए, पर्टिकुलरली श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर के सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे
पहला पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर के लिए, अगर आपने MBBS किया हुआ है तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। नर्सिंग असिस्टेंट जनरल की बात करेंगे, अगर आपने GNM किया हुआ है, BSc नर्सिंग की हुई है, तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म के डेट के रिगार्डिंग बात करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, 16 अगस्त तक आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई आपको कहाँ से करना है यहाँ पे मैं डिटेल्स आपको समझा देता हूँ। ECHS.gov.in वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, या आप ECHS सेल श्रीनगर टेलीफोन नंबर पे, यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, अप्लाई किस तरीके से करना है, इसका कोई एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा, वेन्यू आपको दिया जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। और ये यहाँ पे अगर मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स फिर पूछते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से आपको सबमिट करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे, वो आपको सबमिट करना है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो आपका रहेगा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, सारी सर्टिफिकेट्स आपको सबमिट करनी है, हेडक्वार्टर्स ECHS सेल श्रीनगर, 16 अगस्त से पहले। अब यहाँ पर अगर हम तीसरी नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो बता देता हूँ, तीसरी नोटिफिकेशन जो है ये भी सेम MS जम्मू की तरफ से आई है। यहाँ पे आप देख सकते हो ड्राइवर के लिए 9 पोस्ट लगने वाले हैं, मिनिमम इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास चाहिए। और यहाँ पे कंसल्टेंट बायोमेडिकल इंजीनियर के लिए पोस्ट आया है एक, और इसमें आप देख सकते हो अगर आपने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में कोई डिग्री वगैरह की हुई है तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई किस तरीके से आपको करना है, BECIL.com पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, पर्टिकुलरली क्लास 4th पोस्ट से अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इस वेबसाइट पर आप जाके अप्लाई कर सकते हो। और ये जॉब भी रहेगा MS जम्मू के रिगार्डिंग, इसमें भी JNK के सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना अपने दूसरे दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगली जॉब रिक्रूटमेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।